नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के घटक संगठन महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संयुक्त संघ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम साथी और आंगनबाड़ी आशा सहयोगियों ने मिलकर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष छोटेलाल बुनकर के प्रदेशव्यापी आह्वान पर जिला कलेक्टर झालावाड़ को ज्ञापन दिया। महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मंजू कारपेंटर और महासंघ के जिला महामंत्री मुश्ताक अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, आशा सहयोगियों ने जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर सचिवालय पर रैली के साथ पहुँचे और ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सभी महिला कर्मचारियों को नियमित राज्य कर्मचारी किए जाने, मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने, नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायतों में की सहयोगनी व साथिनों को समायोजित कर मानदेय शुरू किए जाने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती सहित कई मांगें थी जिनको लेकर ये ज्ञापन दिया गया। कहा गया कि मांगे पूरे नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन में महासंघ के सालिग्राम दांगी, सहायक लेखाधिकारी चंद्रेश नामदेव, पिंकी कृष्णा लोधा, चिंता बाई, मधु सुमन, साथिन सुनीता, शकुंतला, शशिकला टेलर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रही।